आने वाले समय में अगरतला पूरे दुनिया के मैप पर निश्चित रूप से जाना है। त्रिपुरा बेसिकली हिली एरिया से, तो जितने भी रिमोट एरिया है वहाँ पे सारे ट्राइबल्स सारे लोग रहते हैं, तो अगर बारे में जिसके बारे में कुछ पता नहीं है उन लोगों को ट्रेन करने के लिए आपकी तरफ से कुछ इंस्टीट्यूट दे जाएगा? अभी आज ये चर्चा हुई अगरवुड का पौधा 10 साल में जब तक वो लगेगा तब तक बीच में और उससे सुगंधित पौधे लगाए जाए, जैसा NBRI ने अभी प्रपोज किया कि वहाँ पचौली लगा सकते हैं, मेंता लगा सकते हैं, तो उसको इमीडिएटली वो गेन होने लगेगा सुगंधित पौधे का, और एक ही जगह बाजार पे जाना पड़ेगा। मतलब वो एरोमेटिक प्लांट करेगा तो उसको एक ही जगह मार्केट है, एक ही आदमी के पास जाना, वो प्लांटेशन होगा निश्चित रूप से। ये बात चर्चा भी हुई, ये होगा तो किसान को ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके लिए भी एलिमेंट प्रोजेक्ट में चर्चा है कि आगे जाकर हम किसान को सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग देंगे, कुछ मास्टर ट्रेनर्स यहाँ बनाएंगे जो आगे जाकर फील्ड में और रिमोट एरियाज में भी लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि किसान एक जैसा मटेरियल पूरे त्रिपुरा में पैदा कर सके। सर मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के लिए अगरवुड का आप नाम लेकर देखिए और ये देखिए कि आग मिलता है कि नहीं मिलता है। अगरवुड के मार्केट का एसेंशियल ऑयल के मार्केट का अभाव नहीं है। इंडिया में एसेंशियल ऑयल के मार्केट ग्रोथ रेट से लगभग 11% है, जो ग्लोबल ग्रोथ रेट 7.3 से कहीं ज़्यादा। तो अगर हम ये एसेंशियल ऑयल पैदा करते हैं अगरवुड या पचौली मेथा या टर्मरिक, तो मार्केट पोटेंशियल नहीं है। पूरी दुनिया को नेचुरल मटेरियल चाहिए, और उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट खाकर पूरा है ऐसी जगह को लोग देख रहे हैं, तो मार्केट का कोई इशू है नहीं। यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं जैसे ये खड़े हैं और भी लोग हैं, आप किसी से पूछिए यही बात कहेंगे हमें जेन्यून नेचुरल मटेरियल लगाइए, कितना आप लगाते हो? सर मैं SV शुक्ला, डायरेक्टर फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ MME के अंदर। यहाँ के आम जनता को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? Just wait, you will have a great fragrant Tripura, that's all.